अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे चाउमीन। ये बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद होती है और बहुत आसानी से बन भी जाती है। आप इसे घर में खाने के लिए या बच्चों की पार्टी वगैरह के लिए भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैकेट चाउमीन वाले नूडल्स। ये नूडल्स आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। थोड़ा सा गरम कल्ला कैबेज, एक गाजर, एक शिमला मिर्च, इन तीनों चीज़ों को मैंने छोटा छोटा जुलियंस में काट लिया है। एक मीडियम प्याज मोटी चॉप की हुई, नमक स्वाद अनुसार, आधा टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 2 टीस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, तकरीबन 3 टेबलस्पून तेल। सब्जियां आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक गहरे बर्तन में लेंगे पानी, इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून तेल और पानी में उबाल आने तक इसे पकाएंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें डालेंगे नूडल्स। इन्हें अच्छे से बॉईल कर लेंगे। नूडल्स बॉईल हो गए हैं, अब इनका पानी निकाल देंगे और इनके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये चिपके ना और गर्माव से ज़्यादा गल ना जाए। अब एक कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को हल्का सा सॉटे करेंगे। अब इसमें डालेंगे गाजर, इसको भी चलाएंगे थोड़ा सा। अब इसमें डालेंगे गरम गल्ला यानी कैबेज, इसे भी अच्छे से चलाएंगे। अब इसे 1 मिनट के लिए तेज गैस पर इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे। साथ ही इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और इसे भी फिर से अच्छे से चलाएंगे। अब तकरीबन 1/2 मिनट के लिए और पका लेंगे। गैस हल्का करेंगे और इसमें डालेंगे नूडल्स। काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस। अब इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। गैस तेज कर लेंगे और इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। ये अच्छे से मिल गई हैं, ये तैयार है, अब गैस बंद कर देंगे। चाउमीन तैयार है, इसे गरम गरम केचप के साथ सर्व करें। आप भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।